मित्रों, एक प्रश्न आपके मन में जरूर उठता होगा, जैसे हमारे पेट की खुराक भोजन है तो आत्मा की खुराक क्या है। चलिए एक प्रसंग आपको सुनाते हैं। किसी व्यक्ति को बड़ी जोर की प्यास लगी हो और वो प्यास के मारे तड़प रहा हो, उसे पानी ना मिल रहा हो, अन्य तमाम प्रकार के पेय पदार्थ उसे पिलाए जाए तो उसकी प्यास पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होती है। थोड़ी देर बाद वो फिर प्यास से तड़पने लगता है। जब कोई व्यक्ति कहीं से पानी लाकर उसे पिला देता है तो उसकी प्यास बुझ जाती है। जहां वो व्यक्ति तड़प रहा था वहीं पर वो पानी पीकर तृप्त हो जाता है और आनंद मग्न हो जाता है, क्योंकि उसकी प्यास बुझ गई, जो तकलीफ थी वो खत्म हो गई। इसी प्रकार मित्रों, आत्मा की खुराक तो सत्संग है। जब तक सत्संग नहीं मिलता, ये मन संसार की वस्तुओं में सुकून ढूंढता रहता है, संसार के कर्म कांडों में सुकून ढूंढता है। संसार के पदार्थों का सुकून तो कुछ क्षणों के लिए होता है, उसके बाद यह आत्मा फिर तड़पने लगती है। लेकिन वर्षों से तड़पती आत्मा की खुराक जब सत्संग मिलता है तब जाकर पूरी होती है, और ये अपने मूल प्रभु परम पिता परमात्मा के साथ जुड़कर आनंद को प्राप्त करती है। संसार तो मित्रों कर्मों की दहकती भट्टी है, जिसमें ये जीवात्मा निरंतर जल रही होती है, उसकी अवस्था अत्यंत दयनीय होती है। सत्संग ऐसी खुराक अमूल निधि है, एक वरदान है, जिसके द्वारा तड़पती हुई जीवात्मा को शीतलता और शांति प्राप्त होती है। संसार रूपी भाव सागर में डूबती हुई जीवात्माओं के लिए सत्संग वो नौका है जिससे वे इस भाव सागर से पार हो जाती हैं। सत्संग में पावन और नेक विचारों की अमृत धारा का पान करते करते मनुष्य अपने बुरे विचारों को त्याग कर आध्यात्मिक उन्नति की तरफ बढ़ता है। सत्संग से व्यक्ति के मन की मलिनता धुल जाती है, वो काला और माया के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। संतों की संगति परमार्थ उन्नति के साधन है। चाहे हम उनकी महानता को जानते हों या ना जानते हों, उनका दर्शन हमें आत्मिक चेतनता और शीतलता प्रदान करता है। प्रभु भक्तों की संगति 100 साल की निष्कपट भक्ति से कहीं बेहतर है। सत्संग तो मित्रों इस जीवात्मा के आनंद की खुराक है, इसलिए सत्संग बहुमूल्य है, इसका मूल्य आंका नहीं जा सकता। धर्मशास्त्र भी कहते हैं 100 कार्य छोड़कर भोजन कर लेना चाहिए, 1000 कार्य छोड़कर स्नान कर लेना चाहिए, और 1,00,000 कार्य छोड़कर दान कर लेना चाहिए, और करोड़ों करोड़ों कार्य छोड़कर भगवान का भजन कर लेना चाहिए, यानी कि सत्संग कर लेना चाहिए। अब इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि सत्संग का मानव जीवन में कितना महत्व है। यही आत्मा की असली खुराक है, इसीलिए जब भी मौका मिले तो करोड़ों कार्य छोड़कर भी सत्संग कर लेना चाहिए। एक घड़ी आधी में पुनियाद, कबीर संगत साधु की काटे कोटि अपराध। ओम नमो नारायण। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।